सो गाइज गुड इवनिंग, मैं रमेश सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का एक बार फिर से RMS लाइव लर्निंग यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप फेसबुक पर अपनी आईडी को कंफर्म कैसे कर सकते हैं, उसे वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप अपने फेसबुक अकाउंट पर इस सेटिंग को कम्प्लीट कर देते हैं तो आपके अकाउंट की सिक्योरिटी और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। सो गाइज अगर आपने अपने फेसबुक अकाउंट की सिक्योरिटी के लिए 2-स्टेप वेरिफिकेशन कोड इनेबल किया हुआ है तो आपको अपनी आईडी को भी कंफर्म जरूर करना चाहिए। और फेसबुक पर अपनी आईडी को कंफर्म कैसे करते हैं दोस्तों, चलिए अब इस वीडियो में जानते हैं। सो गाइज फेसबुक पर अपनी आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए सबसे पहले आपको अपना फेसबुक अकाउंट ओपन करना है। उसके बाद दोस्तों ये टॉप साइड में 3 लाइन्स पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ ऑप्शन आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको बॉटम साइड में स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप ये ऑप्शन देख सकते हैं सेटिंग एंड प्राइवेसी, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ और ऑप्शन आएंगे तो यहाँ पर आपको सेटिंग के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते हैं दोस्तों आप फेसबुक की सेटिंग पेज में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप ये फर्स्ट सेक्शन देख सकते हैं अकाउंट सेटिंग का, तो इसमें दोस्तों आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज में आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, ये सभी ऑप्शन हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप ये ऑप्शन देख सकते हैं आइडेंटिटी कंफर्मेशन। सो गाइज अपनी आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज में इस तरह से आपको एक मैसेज होगा, तो यहाँ पर दोस्तों आपको कंफर्म योर आइडेंटिटी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट इंटरफेस में आपके सामने इस तरह से कंट्री सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों आपको सेलेक्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी कंट्री को सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि फ्रेंड्स मैं इंडिया से हूँ तो मैं यहाँ पर इंडिया को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसी तरह से गाइस आप जिस कंट्री के होंगे आपको वो कंट्री सेलेक्ट करनी है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको और भी इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर क्या क्या करना है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों सिक्योर योर अकाउंट, इसमें आपके फेसबुक अकाउंट पर 2-स्टेप ऑथेंटिकेशन कोड यानी कि वेरिफिकेशन कोड इनेबल होना चाहिए। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये टिक मार्क हो रखा है, यानी कि दोस्तों मैंने अपने फेसबुक अकाउंट पर 2-स्टेप वेरिफिकेशन कोड को इनेबल किया हुआ है। अगर दोस्तों आपने नहीं किया हुआ है तो पहले आप इसे इनेबल कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप 2-स्टेप कोड को इनेबल करने के बारे में जान सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे कि आप नीचे 2 और ऑप्शन देख सकते हैं कन्फर्म योर प्राइमरी कंट्री एंड प्रोवाइड ए फोटो आईडी। तो इसके लिए दोस्तों आपको बॉटम साइड में नेक्स्ट के इस बटन पर क्लिक करना है, और जैसे आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट इंटरफेस में आपके सामने इस तरह से 2 ऑप्शन आएंगे जिसमें आपको मैसेज भेजने के लिए सिक्योरिटी मेथड को सेलेक्ट करना है। जैसे कि दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं ऑथेंटिकेशन ऐप और टेक्स्ट मैसेज 2 ऑप्शन है, तो इनमें से आपको टेक्स्ट मैसेज को सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों ये बॉटम साइड में आपको कंटिन्यू के इस बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट पेज आएगा यहाँ पर आपके फोन नंबर्स ऐड होंगे, तो यहाँ पर आपको अपना वो फोन नंबर सेलेक्ट करना है या फिर ऐड करना है जिस पर आप सिक्योरिटी कोड रिसीव करना चाहते हैं। और नंबर ऐड करने के बाद दोस्तों अब आपको कंटिन्यू के इस बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज में आपके सेट किए फोन पर एक सिक्योरिटी कोड भेजा जाएगा, तो आपको उसे यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद दोस्तों बॉटम साइड में कंटिन्यू के इस बटन पर क्लिक कर देना है। अब जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा दोस्तों यहाँ पर आपको अपने फेसबुक का पासवर्ड एंटर करना है और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके फेसबुक पर सिक्योरिटी सेटिंग कंप्लीट हो जाएगी। और दोस्तों अब जब भी आपके फोन पर कोई अनरिकॉग्नाइज लॉगिन होता है तो आपके फोन पर एक कोड आ जाएगा, और जब तक आप उसे कोड नहीं बता देते वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। अब दोस्तों आपको डन के इस बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए कंफर्म लोकेशन के इस बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों इस तरह से यहाँ पर ये टिक मार्क लग जाएगा। अब दोस्तों आपको वेरीफाई एड्रेस के इस बटन पर क्लिक करना है, और जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से 2 ऑप्शन आएंगे अपने एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपना एड्रेस कन्फर्म कराना है। जैसे कि आप ये फर्स्ट वाला ऑप्शन देख सकते हैं रिसीव ए कोड इन द पोस्ट, तो दोस्तों अगर आप पोस्टल तरीके से अपने एड्रेस को कन्फर्म कराना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके घर पर विजिट करे और आपके एड्रेस को कंफर्म करे तो आपको ये सेकंड वाला ऑप्शन हैव समवन विजिट योर होम को सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप रिसीव ए कोड इन द पोस्ट के ऑप्शन को सेलेक्ट करें। पोस्टल मेथड को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों अब बॉटम साइड में नेक्स्ट के इस बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से नेक्स्ट पेज में आपके सामने एड्रेस एंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपना एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको अपने घर का कंप्लीट एड्रेस एंटर करना है पिन कोड के साथ। जैसे आप एड्रेस एंटर कर लेंगे
उसके बाद दोस्तों बॉटम साइड में नेक्स्ट केस बटन पर आपको क्लिक करना है। तो इस तरह से दोस्तों जो सेकंड स्टेप है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको थर्ड स्टेप के लिए यहाँ पर अपनी एक आईडी एंटर करनी है। आप वोटर आईडी कार्ड या फिर पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा वोटर आईडी कार्ड है मैंने उसका नंबर यहाँ पर एंटर कर दिया है। इसी तरह से आप अपने वोटर आईडी कार्ड या फिर पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नेक्स्ट केस बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट इंटरफेस में आपको वो मेथड सेलेक्ट करना है जो नंबर आपने एंटर किया है। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना वोटर आईडी कार्ड एंटर किया है तो मैं यहाँ पर वोटर कार्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपने पैन नंबर एंटर किया होगा तो आपको यहाँ पर पैन कार्ड सेलेक्ट करना है। अब दोस्तों यहाँ पर भी आपको नेक्स्ट केस बटन पर क्लिक करना है। और जैसे फ्रेंड आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपके फ़ोन का कैमरा ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी आईडी की फ़ोटो लेनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर वोटर आईडी नंबर ऐड किया है तो मैं उसकी फ़ोटो यहाँ पर क्लिक करूँगा। अगर आप पैन कार्ड नंबर एंटर करते हैं तो आपको पैन कार्ड की फ़ोटो लेनी है। फोटो क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपको सबमिट के इस बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से जो थर्ड स्टेप है दोस्तों वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको फाइनली फिनिश के इस बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों ये सबमिट हो जाएगा और दोस्तों फेसबुक के पास ये रिव्यू के लिए चला जाएगा। अब गाइज आपको 5 से 7 दिन का वेट करना है। उसके बाद फेसबुक की तरफ से आपके दिए गए एड्रेस पर एक लेटर आएगा जिसमें एक कोड होगा जिसको आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपका फेसबुक अकाउंट कम्प्लीटली वेरीफाई हो जाएगा, यानी कि आपकी जो आईडी है वो कन्फर्म हो जाएगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी होगी। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर देना। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।